और आज यहां इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें स्वागत देने करने आशीर्वाद देने आई, उससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। तेलंगाना की मेरी बहनें एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनी है। तेलंगाना की मेरी बहनों ने इतिहास बनाया है। कुछ ही दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस, ये गमंडिया गठबंधन 30 साल से उसे रोककर बैठे थे, उनको किसी की परवाह ही नहीं थी, भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए कि सारे गमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना की महिलाओं ने, मेरे देश की माताओं बहनों ने साथ मिलकर वोट की शक्ति से, अपने एक एक वोट से माताओं ने उसके इस बेटे को मजबूत बनाया है, बहनों ने उनके इस भाई को मजबूत बनाया है, और माताएं बहने आपने मजबूती दी है, इसलिए मजबूती से यह आपका बेटा काम कर पा रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। आप भारत की प्रगति के आधार है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगाना ने भी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। तेलंगाना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली भांति समझ सकता हूं। अभी मैं देख रहा था क्या वाइब्रेंसी थी, क्या ऊर्जा थी, क्या जुनून था। मेरे साथियों, आपको सौ सौ सलाम।